इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। साल के पहले दिन पीएम मोदी का मंदिर प्लान देश के सामने आ गया। बेहद साफ साफ शब्दों में नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर बीजेपी कतई बेचैन नहीं है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें, और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। यानी कि मोदी से मंदिर की आस रखने वालों के समझ लेना चाहिए कि अब जो कुछ भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही होगा। राम भक्त फैसला आने तक इंतजार करें, क्योंकि मोदी सरकार किसी किस्म की जल्दबाजी में नहीं है। अयोध्या से दिल्ली तक वीएचपी और संघ का दबाव डालने वाला प्रयास ढाक के तीन पात साबित हुआ। देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हैं कि नहीं, हम अध्यादेश लाएंगे, नहीं कानून बनाएंगे, जबकि सभी लोगों का यही मांग था कि आप अध्यादेश लाइए और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाइए। धर्म सभाओं में साफ तौर से पूज्य संत धर्माचार्यों ने मंच से ही कहा कि अध्यादेश लाइए, कानून बनाइए। और परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने, उन्होंने भी पूर्व में कहा कि इसका समाधान जो है कानून बनाकर किया जा सकता है, इसकी जो भी रुकावटें हैं उसको दूर करने का काम सरकार को करना चाहिए। राम मंदिर से हाथ झटक कर मोदी ने वीएचपी और साधु संतों को जो झटका दिया है उसका असर आगे दिखता रहेगा। बीजेपी के खिलाफ साधु संत आक्रामक दिख रहे हैं, लेकिन अचानक पीएम मोदी के इनकार नामे से मुसलमानों के चेहरे खिल गए हैं। कोई ऑर्डिनेंस या कानून पॉसिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वही लास्ट वर्ड होगा, तो ये तो उनको पहले ही बोल देना चाहिए था। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो ठीक कहा है कि कोर्ट का सम्मान सबको करना है और करना चाहिए भी, क्योंकि कोर्ट ही का सम्मान करने से हिंदुस्तान चल रहा है। राम मंदिर पर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई को लेकर संत समाज में हलचल बढ़ गई है। फैसला जल्द हो, इसके लिए अयोध्या में महायज्ञ भी किया गया है। लेकिन अदालत की अपनी प्रक्रिया है, अपने तरीके, अपने रास्ते हैं, इसलिए जब तक फैसला नहीं आ जाता बीजेपी के उन नेताओं के लिए बेचैन ही बेचैनी है जो खुद को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर पेश करते रहे हैं। जितनी देर हो रही है बीजेपी के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल हो रहा है। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि शिवसेना की नजर मंदिर वाले एजेंडे पर है। उद्धव ठाकरे अयोध्या की दौड़ लगा चुके हैं, बीजेपी को आईना दिखा चुके हैं। कुंभकर्ण झोपला है, त्या कुंभकर्णाला जागा करण्याची आज आवश्यकता आहे। त्या कुंभकर्णाला जागा करण्यासाठी मी अयोध्येला गेलो होतो। आज सुद्धा मी पंढरपुरामध्ये त्याचसाठी आलेलो आहे की झोपलेल्या कुंभकर्णाला जागा करण्यासाठी आलेलो आहे। की कुंभकर्णा, तू जरी झोपला असलास तरी देशातला तमाम हिंदू जागा आहे, हिंदू झोपलेला नाही, हिंदू झोपू शकत नाही, राम मंदिर बांधल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसू शकत नाही। एक तरफ शिवसेना है तो दूसरी तरफ जेडीयू जैसे पार्टनर भी हैं, जिन्हें मंदिर पर जल्दबाजी कभी भी नहीं जमेगी। सरकार अध्यादेश ले भी आती है तो मंदिर बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, तब कई और मुश्किलें किन्हीं और शक्लों में सामने होंगी। आशुतोष मिश्रा, प्रयागराज।